दो दिन से आप ही बैठे हैं। इस बात को लेकर जाम लगाया गया कि हम लोगों को किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई कि आज गल्ला मंडी बंद है या क्या है क्या नहीं है। हम लोग जब अपना माल लेके गल्ला मंडी आए, माल के अंदर लेके आए तो पता चला कि आज मंडी बंद है, सचिव साहब का आदेश है कि मंडी बंद है। हम लोग जाके सचिव साहब से मिले, सचिव साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। मंडी परिषद के कुछ अधिकारियों ने आके हमसे बाहर कहा कि आज मंडी बंद है, मंडी में निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से आज आप लोगों का डाक नहीं होगी, आप लोगों का माल नहीं बिके। सर, ये आज जाम लगा था, किस बात को लेकर जाम लगा? सफाई से संबंधित था। सफाई का टेंडर जो यहाँ था पहले, उसको नष्ट कर दिया गया है, उस वजह से यहाँ किसान किसानों को किसान से मतलब नहीं था, व्यापारियों का मामला था भाई। व्यापारी उन लोगों ने किसानों कह दिया कि हम माल नहीं खरीदेंगे, तो वो हमारे पास आए। ना इसलिए तत्काल उसकी व्यवस्था करके ना ये बिल्कुल सही कह रहे, इसलिए तत्काल उसका व्यवस्था की गई होता। भाई साहब, मंडी में चूहे इतने अधिक हो गए, हर फर्श पोले हो गए हैं, हर चौथरे पोले हो गए हैं। कई बार कहा कि इनका उपाय आप कराइए, नीचे फर्श पक्के कराइए, गिट्टी बिछे, गिट्टी के बाद सीमेंट लगे, तो चूहे पोले ना कर पाएंगे। हर जगह नालों बगल में कहीं भी आप देख लें, 100-102 चूहे हैं, रोग भी फैल रहा है। लेटरिन बाथरूम आज से सन 2000 से बने हुए हैं, आज तक चालू नहीं हो सके, जबकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह लेटरिन के लिए सबसे पहले व्यवस्था कर रहे हैं कि हर लोग घर बने, हर जगह बने, यहाँ बने बनाए भी नहीं चालू हो पा रहे। शासन प्रशासन का तो मेरे ख्याल ये है, नया बना दो और चालू हो ना हो, केवल बजट आ जाए, बजट आए खर्च हो जाए, ये प्राथमिकता रहती है।